नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नवे और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि 10th स्टैंडर्ड में इस बार किसने टॉप किया। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो 10th के रिजल्ट है वो 16 जुलाई 2021 को अनाउंस हुए थे। और दोस्तों, अगर हम पास परसेंटेज की बात करें स्टूडेंट के बीच में, तो वो था लगभग 90.25%, जिसमें से दोस्तों 82,803 स्टूडेंट्स अपियर हुए एग्ज़ाम के लिए, उसमें से खाली 74,618 बच्चे पास हुए। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट कौन से थे जिसमें पास परसेंटेज किसका सबसे ज़्यादा था। 5th पोजीशन पे है पुणे, जिसका परसेंटेज है 99.96%। 4th पोजीशन पे है लातूर, जिसका परसेंटेज सेम है 99.96%। 3rd पोजीशन पे है नासिक, जिसका परसेंटेज है 99.96%। 2nd पोजीशन पे अमरावती, जिसका परसेंटेज है लगभग 99.98%। और टॉप पोजीशन पे है हर साल की तरह कोंकण, जिसका रिजल्ट है 100%। और दोस्तों, मुंबई का भी पास परसेंटेज लगभग 99.96% है। दोस्तों, 20,000 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने लगभग 100% रिजल्ट इस बार स्कोर किया है। और इस बार नागपुर डिस्ट्रिक्ट का सबसे कम पास परसेंटेज आया है, जो कि है 99.84%। और दोस्तों, टॉपर की बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी महाराष्ट्र बोर्ड ने अभी तक कोई भी टॉपर को डिक्लेयर नहीं किया है। और अगर दोस्तों आपको 11th के लिए एडमिशन चाहिए, तो दोस्तों आपको CET की एग्ज़ाम देनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।